दुरंतो एक्सप्रेस से 2 फुट के गणेश टेकड़ी की झांकी वाले गणेश जी का विसर्जन आज गिरगांव चौपाटी में दोपहर 12 बजे किया गया। यह 13 साल है 10 दिन गणेश जी की पूजा अर्चना देश पांडे लेआउट के नागरिक व सब परिवार गणों द्वारा की जाती है। देश पांडे लेआउट के नागरिक यही प्रार्थना करते हैं 10 दिन गणेश जी से कि हमारे नागपुर शहर को राजधानी बनाया जाए, इस वजह से विदर्भ राज्य अलग चाहिए। ऐसी प्रार्थना 10 दिन तक बप्पा को टेकड़ी के गणेश जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर प्रार्थना करते हैं। दुरंतो एक्सप्रेस 8 सितंबर 8:40 रात को देश पांडे लेआउट के नागरिक गुरुद्वारा बोगी नंबर S7 टेकड़ी के गणेश प्रतिमा की झांकी को लेकर गिरगांव चौपाटी मुंबई के लिए रवाना हुए और विदर्भ राज्य की मांग को लेकर मुंबई गिरगांव चौपाटी में विसर्जन किया। 13 साल से यही विसर्जन जब विदर्भ राज्य अलग हो जाएगा, गणेश टेकड़ी की झांकी के गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन नागपुर में राजधानी बनने पर फुटाला तालाब में किया जाएगा, ऐसा वहां के रहवासी विनोद हेड़ाऊ और नंद किशोर शर्मा जी का कहना है। नमस्कार, मैं विद्या जी, आप देख रहे हैं विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज टीवी। इस वक्त देशपांडे लेआउट में हम खड़े हैं और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, सुवर्ण गणेशोत्सव मंडल की तरफ से हर साल जो है गिरगांव चौपाटी बॉम्बे में जो है हर साल बाप्पा का जो है विसर्जन किया जाता है। क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर विनोद हेड़ाऊ जी, हम उनसे जानेंगे क्यों बाप्पा का विसर्जन बॉम्बे चौपाटी पे गिरवाड़ी चौक में किया जाता है। मुझे ये बताइए क्या कारण है बॉम्बे में ही जाके बाप्पा का विसर्जन करना। आम्हाला विदर्भ वेगळा झालाच पाहिजे याच्यासाठी आम्ही गणपतीला घेऊन जातो। आज आता 14वा वर्ष आहे हा। लेकिन बाप्पा, आप तो जानते हो कि विदर्भ वेगळा हो नहीं सकता, ऐसा बड़े बड़े नेताओं का कहना है। पर जब तक होगा नहीं हम गणपति वहीं पे लेके जाएंगे। जब तक होगा नहीं, मतलब कब तक नहीं होगा, यह सबको लगता है? जब तक नहीं होगा, हम जब तक है तब तक लेके जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं शासन सोया है सबको लग रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शासन सोया है, जागेंगे आज नहीं कल जागेंगे ही। हमारे साथ यहाँ पर कुछ देश पांडे लेआउट के और कुछ लोग यहाँ पर है, भक्तगण है, यहाँ पर हम उससे भी जानेंगे कि क्या इसके पीछे कारण है, क्यों विदर्भ वेगड़ा झाला पाहिजे ये नारा लगाते हैं। क्या कारण है विदर्भ अलग होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? तेलंगाना दिए, झारखंड दिए, छत्तीसगढ़ दिए, तो फिर विदर्भ के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों कर दिए गवर्नमेंट, ये मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। तो फिर विदर्भ भी चाहिए, ये अपना अधिकार है और ये लेके रहेंगे बापा के थ्रू। शांति से 10 दिन बैठाते हैं, परिवार के लोग पूजा पाठ करते हैं, इसलिए करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इन हरामखोर राजनेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करे बापा। और जिस तरीके से तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो राज्य घोषित किए हैं, ये विदर्भ राज्य भी होना चाहिए। लेकिन बात ये कहीं ना कहीं आती है कि कहीं ना कहीं आप बाप्पा का विसर्जन जो है नागपुर के और कहीं तालाब में कभी के जाके कर सकते हो, कहीं वैसे जल प्रवाह है वहाँ पर जाके कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बॉम्बे में ही जाके क्यों? अभी महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे है, अब जब विदर्भ की हम मांग कर रहे हैं, परिवार के साथ मांग कर रहे हैं, पूरा परिवार है, देश पांडे लेआउट का पूरा परिवार चलता है, काय के लिए कि हमको राजधानी नागपुर बनाना है, जब भी बप्पा का विसर्जन नागपुर में किया जाएगा। इसीलिए जो गवर्नमेंट सोई है ना, उसको जगाने के लिए वहाँ पे लेके जाते हैं गिरगांव चौपाटी, वहाँ बैंड बजाते, वहाँ विसर्जन करते, जिससे कि ये कुंभकर्ण नींद में जो गवर्नमेंट सोई है ये जगे, इसके आँखें खुले कि नागपुर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ क्यों आ रहे हैं। क्या इसके लिए आपने जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो खासदार भी रहे हैं उनके पास जाके इसकी आपने निवेदन दिए थे कि इनके बारे में इससे चर्चा किए थे क्या? ये हमने निवेदन 11 साल से देके रखे, 11 साल से विचार कर ही रहे हो, और हम उग्र आंदोलन नहीं कर सकते क्योंकि हम पारिवारिक लोग हैं। उग्र आंदोलन करने वाले राजनेता थे, वो बेचारे चले गए, आज हम शांति पूर्वक गणेश टेकड़ी की प्रतिमा बैठा के और यही एक गवर्नमेंट को देते हैं कि बाप्पा इनको सद्बुद्धि देवे और हमें हमारा विदर्भ देवे, ऐसी आशा कर। बाप्पा जो है सबके विघ्नहर्ते, ऐसा उनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, क्या लगता है आपकी एक मांग है विदर्भ वेगड़ा झाला पाहिजे, ये मांग बाप्पा पूरी करेंगे क्या, विघ्नहर करेंगे? हमको तो विश्वास है कि बाप्पा पूरी करेंगे हमारी मांग, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, लेकिन करेंगे। जब तक नहीं करेंगे तब तक आप बाप्पा को बैठाते रहेंगे और हम मुंबई लेके जाते रहेंगे।
गणपति बाप्पा। आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर जो है देशपांडे लाउड के यहाँ पर भक्त जने आम जनता है, उनकी एक ही मांग है कहीं ना कहीं विदर्भ को अलग करने की जो मांग है इसको लेकर जो है बाप्पा को पिछले 13 सालों से सुवर्ण गणेशोत्सव मंडल देशपांडे लाउड के आम जनता भक्त जन जो है बापा को बैठालते हैं और हर साल जो है गिरगांव चौपाटी में जाकर बॉम्बे के जाके उनका विसर्जन करते हैं और बापा से यही प्रार्थना करते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार तो आज ना हो जाए कल हो जाए लेकिन विदर्भ वेगड़ा होगा, ऐसी उनको एक उम्मीद है। क्या सरकार अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागकर इनकी जो मांग है इसको पूरी करेंगी? जानने के लिए आप देखते रहिए विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी।